सवाई गंधर्व फेस्टिवल मैंने 59 में गाया है। उसके पहले भी पंडित जी और हम कहीं नागपुर में मिले, एक दो जगह मिले हैं। तो मुझे जो बुलवाया गया सवाई गंधर्व में, वो डॉक्टर वसंतराव देशपांडे, पंडित भीमसेन जी और नाना साहब देशपांडे यहाँ थे। इन लोगों ने मुझे यहाँ बुलवाया सवाई गंधर्व गाने के लिए। और ऐसा मतलब एक चमत्कार करके सराहा गया मुझे, और पंडित जी उसके बाद लेके हमें पेंडोल में घूमे। फिर मैं तो बच्चा था, मैं मेरे को एक याद ऐसी है कि मैं सो गया था, तो किसी बड़े आर्टिस्ट को बोला गया कि ऐसा है वो सो जाएगा जल्दी, टाइम उसका बहुत देर से मत रखिएगा। तो वो बोले नहीं नहीं वो इतना अच्छा गाता कि मैं, ये उनका बड़प्पन जिन्होंने बोला कि वो इतना अच्छा गाता है कि मैं नहीं गाऊँ। तो बस मुझे ऐसा उठा के पानी वानी डाला चेहरे पे, वो मैं जाके बैठ गया और यमन राग गाया था जहाँ तक मुझे याद है, और झुमरा में गाया था। उस समय ऐसे ऐसे सामने बैठे रहते थे माणिक वर्मा जी, हीराबाई जी, गंगूबाई हंगल जी और पंडित भीमसेन जी, डॉक्टर वसंतराव देशपांडे, वो कई सारे दिग्गज। जब मैंने गाया था पहले तो बाल गंधर्व साहब भी थे उस वक्त सुनने के लिए, और फिर उस समय का जो श्रोता था ना, वो आज के जैसे घड़ी देख के स्टॉल पे जाके चाय पी रहा, ये कर रहा, कब छुट्टी हो रही भाई, ऐसा नहीं, सब बड़ी एकाग्रता से सुनते थे और बहुत लुफ्त उठाते थे। तो ऐसा मेरा सवाई गंधर्व की शुरुआत हुई, और वहाँ से मेरे को सारे हिंदुस्तान में बुलावा आने लगा। हाँ, और दूसरी याद ऐसी सवाई गंधर्व फेस्टिवल की कि मुझे पापड़ बहुत अच्छे लगते बचपन से, तो आखिरी दिन सब कलाकारों को, अभी नहीं होता ऐसा, लास्ट डे सबका भोजन रहता था, सब कलाकार इकट्ठे आके भोजन। तो पंडित जी भणे छे तो अजेला पापड़ वाला तला फारा वर्तो, तो इस तरीके से इतना प्यार मिला मुझे, इतनी मोहब्बत मिली और इज्जत मिली। जनरली इज्जत बड़े लोगों से मिलना ये बहुत बड़ी चीज़ होती। और पुणे में जो गाता है इस फेस्टिवल से, उसकी तरक्की फिर एक बार यहाँ हो गई तो सारी दुनिया में हो जाती है। मेरा ये सौभाग्य है कि सारे बड़े बड़े बुजुर्ग और मुझे देखने मिले, उन्होंने मेरा गाना सुना, सराहना मिली और मुझे बहुत प्यार दिया। और वैसा मेरी माताजी किराना घराने से है, जो कि मेरे जो नाना थे वो सवाई गंधर्व जी के साथ बहुत संगत किया करते थे हारमोनियम की, तो इसलिए वो किराना घराना का इम्पैक्ट बहुत आया। उसके बाद मेरी माताजी को तो आमिर खान साहब, उस्ताद आमिर खान साहब का गाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। मुझे भी उस्ताद आमिर खान साहब की ख्याल गायकी जो है बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी सारी दुनिया को लगती है, जितने भी गवैये को गवैये कहलाते थे वो। और पंडित भीमसेन जी तो बहुत ज़्यादा उनकी इज्जत के सारी, मतलब जितने कलाकार कौम है ज़्यादातर कलाकार उनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स या उनकी बातें बहुत इम्पैक्ट था उनके गाने का। तो एक बार ऐसा हुआ कि कलकत्ता में उस्ताद आमिर खान साहब गाने बैठे, तो एक ही तानपुरा पीछे था, मतलब शायद दूसरा कोई बजाने वाला नहीं होगा, और पंडित भीमसेन जी का और कहीं प्रोग्राम था। तो जैसे प्रोग्राम करके आए, उन्होंने देखा कि अरे उस्ताद जी के मतलब एक ही तानपुरे पे गा रहे हैं, ये तुरंत गए ग्रीन रूम में, और पीछे पेंडोल के पीछे जहाँ प्रोग्राम चल रहा था, पीछे तानपुरा ट्यून किया और उनके पीछे जाके बैठ गया बाद में। तो हमने बहुत अनुभव, उसके बाद केसर भाई जी से मिले हम, उनके आशीर्वाद मिले, पंडित ओमकारनाथ जी उस महफिल में थे कलकत्ता के, उस्ताद सलामत नज़ाकत अली खान साहब थे, जिन्होंने 13 दिन वो
फेस्टिवल चलता था, ये 1960 कलकत्ता की बात कर रहा हूँ मैं, तो उन्होंने बोला इस बच्चे को फिर से गाने को बुलाइए आप। फिर बेगम अख्तर साहिबा, ऐसे कितने दिग्गज लोग, ठुमरी में बनारस से ठुमरी जो थे, सिद्धेश्वरी देवी जी, बहुत ज़्यादा हमसे आशीर्वाद है। कुमार गंधर्व जी, मतलब मुझे नहीं लगता कोई छोटा होगा, इवन अंजनी बाई मालपेकर जी, तो अब इससे बड़े दिग्गज क्या हो सकते हैं बताइए जी। ऐसे ही बहुत सारे म्यूजिकोलॉजिस्ट भी, मतलब अण्णा साहब राजचंदकर जी, विनायक राव पटवर्धन जी, तो सब, और हमारे बंगले पे सारे कलाकार आते थे, तो उनके विचार जो हैं ये वो सब जो है वो सब से सीखने मिलता था। मतलब ऑब्जर्वेशन भी था काफ़ी। मेरे ससुर मामा साहब मजूमदार, वो भी बहुत बड़े गायक थे, और माता जी तो मेरी थी, मेरे पिताजी भी लखनऊ जाके सीखे हैं रत्नकर साहब से, तो ऐसा घर में सारा माहौल था। अभी बेटा उसको आगे चला रहा है। तालीम जैसी शुरू हो जाती है कि पहले हम एक राग लेते हैं, उसमें कितने तुम कॉम्बिनेशन अपने मन से कर सकते हो, क्योंकि क्या होता है वो 2+2=4 जो होता है, बस वो घिसते दो बेदुनचार बेतिक्सा बेचौकाट, तो ये मेरी तालीम नहीं है। ये हमारे ढाई और डेढ़ प्लस करो तो 4 होते हैं, तो सोच हम उनके बढ़ाते हैं, और बाकी तुमको ऐसा है कि मेरी उंगली पकड़ के नहीं जाना है, तुमको अकेले भी ट्रैवल करना है। मेरे सारे शागिर्द अच्छे गा रहे हैं और अच्छे मैनर्स हैं उनको, एक तमीज़ तहजीब जो बोलते हैं वो उनको बहुत अच्छी है। पहले वहीं से गाना बजाना शुरू होता, फिर गाना और ये सब तो बाद में होता है, ये पहली तालीम होना चाहिए, तो वो है कि कैसा रिस्पेक्ट करना, क्या करना, और सब अच्छे लोगों को सुनो। और आजकल क्या होता है, अपना गाना हुआ, बच्चे भी मैं देख रहा हूँ अपना गाना बजाना हुआ कि वो करके भाग जाते हैं। पहले तो हम लोग खूब सुनते थे, खूब सुनना चाहिए अच्छे अच्छे लोगों का। देखिए ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ये शब्द यदि आप ले रहे तो उसका सही अर्थ ये लोगों तक पहुंचना चाहिए। और या तो नोम तोम गाइए आप, ध्रुपद ध्रुपद में जैसा होता, जैसा ए ए रे नो रो रो ए नो, अब इसको अब मोरे नैया पारे करो, अब मोरे नैया पारे करो। और लय में भी आदमी ने उतना ही अच्छा होना चाहिए, और शब्द का जो शब्द जो है बड़े अच्छे आपका प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए। जब आप शब्द गा रहे हैं, बंदिश गा रहे हैं, तो उसका अर्थ लोगों तक समझना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। सभी प्रकार की गायकी होना चाहिए उसमें, कुश्ती नहीं होना चाहिए, कुश्ती नहीं भाती मुझे, सुर भाते हैं। मेरा एक ही राज ये है कि मैं सुर को घराना मानता हूँ, लय और सुर, तो इसलिए मुझे सुर की जिसमें भक्ति हो, श्रृंगार हो, ये सब रस हो, वो मुझे बहुत भाता है। और सुर का इम्पैक्ट जैसा आप हमारे पंडित भीमसेन जी, अब ये पहला सुर ही जब लगा देते तो पूरा माहौल तैयार हो जाता है, और जब माहौल पहले सुर से तैयार होता है तो वो गवैया, उसके लिए आपको पूरा 20 मिनट में मज़ा आ रहा, ऐसा नहीं, पहले सुर से मज़ा आता था पंडित जी का, ये उनकी खूबी थी। तो मुझे ऐसा उस्ताद आमिर खान साहब भी, और सभी जितने बड़े लोगों के बारे में क्या बोलना, लेकिन जो सुर से की इबादत पूजा करता है वो हर कलाकार मुझे बहुत पसंद है। किन बरन
देखिए पहले तो मैं फ्यूजन में कोई कन्फ्यूजन नहीं होता, ये बता दो। दो अलग अलग विचारधाराएं हैं, वो उसको एक साथ आपको मतलब ये जैसा उनके वेस्टर्न की कुछ अच्छी बातें हैं, हमारी अच्छी बातें हैं, मेलोडी हारमोनी इस सब का अभिजीत का अभ्यास बहुत अच्छा है। तो उसने पहले पूछा, बाबा इतने साल आप गा रहे हैं क्लासिकल, तो आप गाना पसंद करेंगे? तो मैंने कहा अच्छा है तो ज़रूर गाऊँगा। और फिर वो पिया बावरी इस टाइप से बना, और उसमें ऐसा कुछ शब्द अभिजीत ने, फिर हमारी मिसेज बैठी थी उन्होंने कुछ जोड़े, तो ऐसा बनते 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 वो पिया बावरी बन गया। बहुत सुंदर बना है वो अल्बम। मराठीत म्हणतात की जुनाट ते सोन नवे, जुन ते सोन। और नया परिवर्तन जब तक नहीं होता, हम 50 साल पहले ऐसा बोलते थे, अब हमारे बाद कौन आएगा, आते गए। उनको बहुत क्रिटिसिज्म हुई, और क्रिटिसिज्म उसी पे होती है जो काम करता है, उसी पे क्रिटिसिज्म होती है। और जब क्योंकि रिस्क नहीं उठाना चाहता कोई, क्रिटिसिज्म होगी तो न्यू एज में कुछ नहीं, कुछ कॉम्पोजिशन से यंग जनरेशन तक क्लासिकल पहुंचना चाहिए, इसलिए कुछ कुछ हम करते रहते हो। तो हम यही कर रहे हैं कि वो उनको क्लासिकल तक लाए, और क्लासिकल मतलब जो क्लासिक है वो क्लासिकल। उनके दरस की मैं हूँ प्यासी, उनके दरस की मैं हूँ प्यासी, उन बिन कछु न सुहावे।